सरोकार। में लगेगी भगवान परशुराम और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकार्पण। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगट का गोवा में हार्ट अटैक पड़ने से हुआ निधन, बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने दिया विवादित बयान, राकेश टिकैत को बताया दो कौड़ी का आदमी। मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक टी राजा गिरफ्तार, हैदराबाद में भारी प्रदर्शन। एशिया कप 2022 से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, हेड कोच राहुल द्रविड़ हुए कोरोना संक्रमित। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश भाजपा के नए संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। बता दें कि पार्टी संगठन की बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए धर्मपाल लखनऊ पहुँच रहे हैं, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ये पहली बैठक होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। गौरव, मिशन 2024 को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है, क्या जानकारी है आपके पास उसको लेकर? देखिए मनीष जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से चुनाव पास आ रहा है, वैसे से बीजेपी के लगातार अपने संगठन में बदलाव के साथ साथ रणनीति बना रही कि 24 का चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है और समय बचा नहीं है, क्योंकि अगर समय की बात करें तो महज 1.5 साल का समय चुनाव में बचा हुआ है, जिसके चलते बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और चुनाव को चलते अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया था, जो उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री थे सुनील बंसल, जिन्होंने लगातार बीजेपी को तमाम ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 2014 के चुनाव की बात करें, 2017 के चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें, 2022 के चुनाव की बात करें, बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। उनको उन्होंने उनका कद बढ़ाकर उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने एक फेरबदल और भी किया था, जो धर्मपाल सिंह है जो झारखंड के प्रभारी थे, झारखंड के महामंत्री थे, उनको यहाँ पर एक बड़ा तरजीह देते हुए, उनको एक बड़ा पद देते हुए उत्तर प्रदेश में महामंत्री संगठन बनाया गया है। और महामंत्री संगठन बनने के बाद धर्मपाल सिंह आज पहली बार प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंच रहे हैं, और इसके साथ ही साथ वो प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आने वाली योजनाओं को लेकर खाका खींचेंगे। गौरव, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी निकाय चुनाव भी आने वाला है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका रहती है, क्योंकि अगर आपने उत्तर प्रदेश में सीटें जीत ली हैं तो निश्चित रूप से आपको केंद्र की सत्ता से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो तमाम तरह की रणनीतियाँ हैं, जो गतिरोध है वो भी शांत करना है, कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दूसरा कार्यकाल अपना शुरू कर चुकी है और उससे कार्यकाल में पहले कार्यकाल अपेक्षा और ज्यादा सक्रिय है, साथ ही साथ नई जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका यह भी है कि अब तक सुनील बंसल जो इस पद को लगातार बखूबी रूप से संभाल रहे थे, अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी के साथ साथ निर्वाचन भी करना है और प्रदेश पदाधिकारियों से भी सामंजस्य बैठाना है, किस तरह हमको आगे बढ़ना है। 24 का चुनाव है, फिलहाल अभी जो निकाय चुनाव है उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी, जनता के बीच में किस तरह पहुंचना है और जिस तरह सरकार काम कर रही है उन कामों को जनता तक पहुंचाना है, ये भी एक उनकी भी एक बहुत बड़ी योजना रहेगी, उनके साथ में उनके बहुत बड़ा लक्ष्य रहेगा। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि जो अभी हाल में ही प्रदेश अध्यक्ष का जो पद खाली हुआ है, इसको लेकर भी कुछ चर्चा वहाँ पर हो सकती है। गौरव, क्या नए चेहरों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है? मनोज जी, आपकी आवाज़ नहीं आई, दोबारा जी मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है? कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया? देखिए, अभी नए चेहरों की अभी चर्चा नहीं हुई है, कोई अभी नया चेहरा किसको, देखिए अभी नए चेहरों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है मनीष, और लगातार देखा जा रहा है कि अब चूंकि आज वो पहुंच रहे हैं, प्रदेश पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे और किन्हीं नए चेहरों को शामिल किया जाता है, हालांकि अभी नए चेहरों को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, कि अगर पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी दी जाती है, पर चूंकि संगठन में बदलाव यहाँ पर हुआ है, सुनील बंसल को अहम जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, धर्मपाल सिंह को झारखंड से बुलाकर यहाँ पर एक नया उनको पद दिया गया, तो निश्चित रूप से यहाँ पर चर्चा बहुत अहम है और इन चर्चा के माध्यम से ये भी स्पष्ट हो सकेगा कि संगठन आगे जाने वाले चुनाव में किस तरह सक्रिय होकर काम करेगा। भाजपा के नए संगठन महामंत्री बनाए गए हैं धर्मपाल सिंह जी, तो क्या वो कुछ नया फेरबदल कर सकते हैं या कुछ नया आज वो संगठन को संबोधित करेंगे, क्या जानकारी आप दे सकते हैं कि उनकी क्या वो
एक नई सोच को लेकर आ रहे हैं इसमें? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि चूंकि आज पहली बैठक है, आज वो जो संगठन महामंत्री उनको पद दिया गया है, उसके पद मिलने के बाद पहली बार भारत के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, भाजपा के प्रदेश कार्यालय, और वहां पर वो पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। और निश्चित रूप से पदाधिकारियों के साथ मैंने आपको पहले बताया कि सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनील बंसल ने जो अब तक जो काम था वो बखूबी निभाया था। 14 चुनाव की बात करें, 17 चुनाव की बात करें, 19 चुनाव की बात करें, 22 चुनाव की बात करें, लगातार उन्होंने पार्टी को लाभ पहुंचाया था। अब वो जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह को दी गई है, तो यहाँ पर प्रदेश पदाधिकारी के साथ बैठक भी करनी है, सामंजस्य बैठाना है, आगे की रूपरेखा तैयार करना भी उनका प्रमुख एजेंडा होगा। जी गौरव, जाहिर सी बात है धर्मपाल सिंह के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है संगठन को मजबूत करने की और 2024 को लेकर नई तैयारियों को, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या फेरबदल बीजेपी पार्टी कर सकती है और नए चेहरों को कितना आगे ला सकती है, क्या उनकी नई योजनाओं पर वो काम कर सकते हैं? देखिए बीजेपी की सबसे अच्छी बात तो यह है मनीष कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो चुनाव को अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है, और संगठन स्तर पर उनका लगातार फेरबदल चलता रहता है, उनको पता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है और कौन किस जिम्मेदारी के तहत काम करेगा। इसके तहत आपने देखा पहले भी केंद्रीय नेतृत्व में तमाम जो मंत्री थे उनको हटाया गया था और नए युवा चेहरों को यहाँ पर जगह दी गई थी, साथ ही साथ उन मंत्रियों को जिनको हटाया गया था उनको बड़ी जिम्मेदारी के तहत अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो बीजेपी में संगठनात्मक जो बदलाव है वो होता रहता है, वो आने वाले समय में तमाम तरह के बदलाव 2024 चुनाव को देख के हो सकते हैं, पर अभी बैठक में क्या निर्णय होगा, क्या उम्मीद कह सकती है, प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम है वो भी सामने आ सकता है, तो तमाम चर्चे हैं। फिलहाल अभी बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। गौरव जी, इस पर पूरे अपडेट पर नजर रखिएगा, हम इसकी अपडेट को फिर से जानकारी लेंगे इस पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई जिले में पुलिस विभाग मित्र पुलिस का सपना पूरा कर रहा था, इसी सपने को साकार करने में 6 दादाकारी ने पुलिस लाइन में एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है। इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि यहाँ पर विभाग के अलावा बाहर से भी लोग बौद्धिक विकास के लिए लाइब्रेरी आ सकते हैं। CEO विकास जायसवाल ने बताया कि लाइब्रेरी खुलने से पहले मनपसंद पुस्तकें लाइब्रेरी की भेंट भी कर सकते हैं, जिससे इस लाइब्रेरी में कोई भी पुस्तक अधूरी ना रह जाए। जैसा कि आपको भी विदित है कि पुलिस लाइन में लगातार ऐसे कार्य किए जा रहे हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं और यहाँ जो घरिया लाइन में पुलिस फैमिलीज रहती हैं उनके बच्चों को और उनके परिवारीजनों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके, उनको उनका वेलफेयर का ध्यान रखा जा सके। ऐसे हमारे बच्चों को जो पुलिस लाइन में परिसर में रहते हैं, खासकर उनको एक ऐसी जगह उपलब्ध कराना है जहाँ पे वो आराम से पढ़ सके, उन्हें बिना किसी डिस्टर्बेंस के ये लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है जिसका नाम बुक परेड रखा गया है। आपको बता दें कि हरदोई जिले में पुलिस विभाग मित्र पुलिस का सपना पूरा कर रहा है, इस सपने को साकार करने में 6 अधिकारी ने पुलिस लाइन में एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है। इस लाइब्रेरी की खासियत ये होगी कि यहाँ पर विभिन्न विभागों के अलावा बाहर से भी लोग बौद्धिक विकास के लिए लाइब्रेरी आ सकते हैं। CEO विकास जायसवाल ने बताया कि लाइब्रेरी खुलने से पहले अपनी मनपसंद पुस्तकें लाइब्रेरी को भेंट भी कर सकते हैं, जिससे इस लाइब्रेरी में पुस्तकों का कोई भी अभाव ना हो। हरदोई जिले में पुलिस विभाग मित्र पुलिस का सपना पूरा कर रहा है, इस सपने को साकार करने में 6 अधिकारी ने पुलिस लाइन में एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया है। इस लाइब्रेरी की खासियत ये होगी कि यहाँ पे बौद्धिक विकास के लिए बड़ी संख्या में पुस्तकें रखी जाएंगी, जिससे आम जनता इसका लाभ उठा सके। सुल्तानपुर में अखंड नगर थाना क्षेत्र के कूरे भार सामुदायिक केंद्र में बन रहे 20 बेड के अस्पताल की गुणवत्ता में खामियां की शिकायत मिली है, जिसको संज्ञान में लेते हुए CSC अधीक्षक ने जांच शुरू कराई है। वहीं इससे पहले निरीक्षक के लिए आए जयसिंहपुर सदर के विधायक रामबाबू उपाध्याय ने निर्माणाधीन बिल्डिंग के काम पर सुधार लाने तक रोक लगा दी थी।
आपको बता दें सुल्तानपुर में अखंड नगर थाना क्षेत्र के कुरेभार सामुदायिक केंद्र में बन रहे 20 बेड के अस्पताल की गुणवत्ता पर खामियों की शिकायत की गई है, जिसके संज्ञान में लेते हुए सीएससी अधीक्षक ने जांच कराई गई। इससे पहले निरीक्षण के लिए आए जयसिंहपुर सदर से विधायक रामबाबू उपाध्याय ने निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर सुधार लाने का बोला है। इस खबर पर हमारे साथ आशुतोष मौजूद है। आशुतोष, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये लगभग सभी ब्लॉकों में जो है कोविड का सेंटर बनना है। ये जल निगम द्वारा एक संस्था कोई है लखनऊ से, वो उसके द्वारा जो है ये वर्क करवाया जा रहा है। हालांकि अगर हम आपको सबसे पहले बताते चले कि ये सामुदायिक केंद्र का अखंड नगर का मामला है, जो निर्माणाधीन के दौरान जो है वहाँ छज्जे लटकने जाने की जो है इस वारदात की सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे जिस तरह की वारदात सामने आई है, हम उस समय मौजूदा हालत में कोई वहां नहीं थी, लेकिन कोई बड़ी घटना को भी दावत दे सकता था। जी आशुतोष, इस खबर पे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। किसान यूनियन नेता के राकेश टिकैत ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम लोग छोटे लोग हैं और बड़ा आदमी है, बेटा एक साल से जेल में बंद है तो गुस्सा आएगा ही। इसके साथ ही कहा कि अब लखीमपुर में मुक्ति अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत इनको जिला बदर या स्टेट बदर किया जाएगा। चलिए सुनाते हैं राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान। अरे हम तो छोटे ही आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी है। हाँ हम तो छोटे ही हैं आदमी, 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वही, तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का एक साल से जेल में बंद है तो आदमी गुस्सा तो होगा। हमें कोई भी बात दुबे नहीं जाना इन पर बयान पे, हम तो जो भी काम करें वो जमीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे दहशत है बहुत। अब क्या 3 दिन रहे, अब क्या 13 दिन रह लेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सिंगार गौरी केस में मेरिट की सुनवाई की गई है। वहीं अंजुमन इंतजामिया का तर्क देते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इससे जुड़े मामले में की सुनवाई सेंट्रल वक्फ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला जज की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता शमीम अहमद ने कहा कि ज्ञानवापी पर तत्कालीन शासन ने कब्जा कर निर्माण कराया था। शरीयत कानून के अनुसार राजा का स्वामित्व वक्फ वोट के तहत होगा। औरैया में आवास विकास परिषद में बनी कॉलोनी मूलभूत से सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि सेक्टर 2 कॉलोनी नगर पालिका को हैंड ओवर कर दी गई है, मगर अब तक यहां सड़क पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का पता ही नहीं है। वहीं इस बार इसकी शिकायत पालिका प्रशासन से भी की गई, मगर आज तक उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। यहाँ पे सड़क की समस्या है, सीवर की समस्या है। सड़क की तो ये कंडीशन है, जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, पानी थोड़ा सा भी बरस जाता है तो यहाँ पे बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसे आप क्या बन जाता है। बिल्कुल सीवर में ये कंडीशन है, सीवर आए दिन पूरा चौक हो जाते हैं, भरे रह जाते हैं और हमेशा लिखित शिकायत दी जाती है, ऊपर कंप्लेंट की जाती है, आवास विकास वालों से बोला जाता है तो आवास विकास वाले भी यही कहते हैं कि नगर पालिका के हैंड ओवर है, नगर पालिका में जाते हैं तो वो कहते हैं कि जल्द ठीक करा दिया जाएगा, लेकिन हमारी समस्या कोई अभी सॉल्व नहीं हो पा रही है। यही मिलता है कि हम जीत जाएंगे तो उसके बाद आपकी सड़कें बना दी जाएंगी और जितनी समस्याएं आपकी सारी समस्याएं खत्म कर दी जाएंगी। भाई साहब 2003 में हमने ये प्लाट लिया था और 2019 से हम यहाँ रह रहे हैं। आवास विकास में इसलिए प्लाट लिया था कि एक अच्छी कॉलोनी है, सारी सुविधाओं से पूर्ण हमें मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है ये कि यहाँ पर ना तो सड़क है ना बिजली है, गड्ढों में हम लोगों को रोज चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, बच्चे ना तो खेल सकते हैं, कहने को यहाँ 20 पार्क हैं लेकिन एक भी पार्क ऐसा नहीं है जहाँ बुजुर्ग महिलाएं बच्चे खेल सकें घूम सकें। ये निश्चित तौर पर हमें आवास विकास ने पहले ठगा, उसके बाद सेक्टर 1 और 2 जो कि नगर पालिका को हैंडओवर है, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है इन 2 सेक्टरों को विकसित करें, लेकिन उनका भी ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है और हम लोग गड्ढों भरी सड़क पे रहने को मजबूर हैं। आवास विकास में चारों तरफ तो रोडें नहीं है बिल्कुल भी, चारों तरफ गंदगी,
पार्कों में सफाई नहीं, हम लोग खुद मिलकर ही पार्कों की सफाई करते हैं। कई बार वो अधिकारियों को भी दिया लिखित में, और नगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारियों को, आवास विकास के सभी अधिकारियों को कई बार कहने पर भी कोई भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। देखा जाए कुछ दिन पहले यहाँ विधायिका भी आई हुई थी, क्या बातचीत हुई? विधायिका जी आश्वासन दे के गई हैं कई रोडों का, अब देखिए क्या होता है। बुलंदशहर में सैकड़ों दलितों ने राजस्थान के जालौर में गांव के सुराणा में रहने वाले एक इंद्र मेघवाल के हत्यारे को फांसी दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च भूण से शुरू होकर काला आम शहीद चौक से होते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अंसारी रोड चौराहे पर समाप्त हो गई। कारण ये था कि राजस्थान के जालौर जिले के विद्यालय में 9 साल का युवक मासूम, इसको मैं इतनी सी बात पर उसके ही शिक्षक ने पीट पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी, क्योंकि उसने अपने शिक्षक की मटकी से पानी पी लिया। आज़ादी के 75 साल बाद इस देश के प्रधानमंत्री, मैं नाम लूँगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, ऐसे झूठे प्रधानमंत्री जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वां, लेकिन उन्हें राजस्थान के जालौर जिले की घटना जो पूरे देश और विदेश तक एक बड़ा रूप ले चुकी है, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं पूरे देश और विदेश तक, लेकिन उनकी चुप्पी नहीं टूटी। एक ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने परिवार को सांत्वना देने का प्रयास नहीं किया। कानपुर के स्वरूप नगर में ऑनलाइन कैफे और फ्लाइंग सॉसर हुक्का बार में पुलिस ने फोर्स के साथ छापेमारी की। पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित हुक्का और नशे की सामग्री बरामद की। बता दें कि हुक्का बार में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस मामले में अधिकारी जाँच पड़ताल में जुटे हुए हैं। शहर में एक साथ कई टीमें बना करके जो जहां हुक्का बार की अवैध तरीके से चलाए जाने की शिकायत थी उन पे पुलिस ने रेड की कार्रवाई की थी। इसमें कुल 6 से 7 लोगों को एक जगह से और दूसरी जगह से इतने ही लोगों को हिरासत में लिया गया था। मौके से हुक्का चिलम और फ्लेवर्स वगैरह कई चीज़ें बरामद की गई थी। इस संबंध में थाना स्वरूप नगर पर 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और इसमें जो भी कड़ी विधिक कार्रवाई है वो इनके खिलाफ की जाएगी। गोरखपुर में MBBS छात्र हिमांशु गुप्ता की इटावा के सैफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को परिजनों ने सुसाइड मानने से को तैयार नहीं है इनकार कर दिया है। उनका आरोप है कि बेटी की हत्या की गई है। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को शक के घेरे में लेते हुए कार्रवाई की मांग की है। हॉस्टल पे बहुत कहने पर रूम खोला गया, रूम पुलिस वाले ने खोला, लेकिन उसके पहले उसका मोबाइल वहाँ से हटा दिया गया था और उसके बाद कह रहा है फॉरेंसिक टीम मोबाइल ले गई, जबकि फॉरेंसिक टीम अभी नहीं आई थी। मोबाइल इन लोगों ने पुलिस वाले की किसी अंडर में था, थाने पर जमा करवा दिया। उसके बाद कमरे पे एकदम देखने से लग रहा था कि चादर, मोटी मोटी 3 चादर, एक और तौलिया, उसको लपेट लपेट के जैसे पंखे को सजाया गया है 3 पार्ट में गूंथ गूंथ करके, और उसके बाद उस पर अगर पंखा पर बच्चा लटकेगा तो अचानक तो लटक नहीं जाएगा, कोई स्टूल रखेगा, कोई मेज रखेगा, तब तो बस लटकेगा। कुछ भी ऐसा नहीं था, बच्चे वहाँ पर एकदम सब चीज़ें व्यवस्थित थी, बिल्कुल मेरे बच्चे ने सुसाइड नहीं किया है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। इटावा में हम लोग सोचे कि पहले कुछ स्टूडेंट से बात कर इसकी असली मतलब असलियत मालूम किया जाए, लेकिन वहाँ पर किसी स्टूडेंट ने एक शब्द भी मतलब, जैसे सारे स्टूडेंट रटी रटाई बातें कर रहे थे कि हम लोग ने 8 बजे जब उसका लंच के लिए दरवाज़ा नहीं खुला तो हम लोग ने दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद नहीं खुला तो फिर हम लोग ने गेट खोला तो देखा कि मतलब ऐसी बात घटना है। लेकिन उनसे जब उस घटना की मतलब कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की गई तो वहाँ पर हम लोग ने देखा कि गेट तोड़ने तक का तो वीडियो वो लोग दे रहे हैं, गेट तोड़ने के बाद का वीडियो कोई स्टूडेंट नहीं दे रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग इतने डर गए थे कि हम लोग वीडियो नहीं बना रहे। गाजियाबाद के लोनी में नोएडा सांसद और भाजपा नेता महेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने श्रीकांत त्यागी प्रकरण में फेसबुक पर लाइव आकर नोएडा सांसद के खिलाफ बेहद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज थाना लोनी क्षेत्र के अंतर्गत दिन में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक राजनीतिक नेता है, उनको
एक व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से अपशब्द बोल रहा था, उस संबंध में तत्काल जानकारी रखते ही थाना लोनी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और इसमें आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।